हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और इस मौसम में चटपटा कुछ खाने का मन तो करता ही है, इसलिए आज हम बनाने वाले हैं वेज मंचूरियन नूडल्स। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। फुल रेसिपी देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। कीर्ति के ट्विश किचन में आप सभी का स्वागत है। करते वेज मंचूरियन नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम नूडल्स बॉयल कर लेंगे। इसके लिए हम गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई, उसमें ऐड करेंगे 2 बड़ा ग्लास पानी, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, पर मैं सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ। जब पानी गर्म हो जाए तो इसमें हम नूडल्स भी डाल देंगे और इसे बॉयल होने देंगे। आप कोई भी नूडल्स इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए नूडल्स बॉयल हो चुके, अब इसे चेक कर लेते हैं। ये बड़े ही आराम से मसला जा रहे हैं। अब हम इसे किसी भी जालीदार बर्तन में इस तरीके से निकाल देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, और उसके बाद हम इसे ठंडे ठंडे पानी से धुल देंगे ताकि नूडल्स एक दूसरे से चिपके नहीं। फिर इसे फोक की सहायता से चला के इस तरीके से फैला देंगे। अगर नूडल्स ज़्यादा है तो आप प्लेट में फैला दें। तो हम मंचूरियन बना लेते हैं। इसके लिए हम गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें एक चॉप किया हुआ पत्ता गोभी डाल देंगे। ये बहुत ही बारीक मैंने चॉप किया हुआ है, और 2 से 3 ग्रेट करा हुआ गाजर भी इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बारीक कटा शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मैंने स्किप किया है। इसका फ्लेम लो कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ढक के पका लेंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर बाद मैंने इसे खोल कर देखा, ये देखिए ये बढ़िया से सॉफ्ट नहीं हुए, इसलिए थोड़ा सा चलाकर इसे हम थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे। और थोड़ी देर बाद ढक्कन फिर से खोल कर देखेंगे, ये थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। इसका फ्लेम लो रखना है और पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अब हम गैस बंद कर देंगे। इन सारी सब्जियों को हमने एक भगोने में निकाल दिया और ये ठंडा भी हो चुके। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी आरारोट और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैदा। इन सभी को बढ़िया सा मिक्स कर देंगे। अगर आप देखें कि ये मिक्स नहीं हो रहे हैं तो इसमें थोड़े से बूंदे पानी के डाल दें और फिर इसे बढ़िया सा मिक्स करके इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लें। इस बात का ध्यान रखें कि जितना आप आरारोट इस्तेमाल करें उससे थोड़ा सा कम मैदा लें। अब हम क्या करेंगे कि हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और जो हमने डो तैयार किया हुआ है उसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बॉल्स हमने तैयार कर लिया है। अब हम गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे सरसों का तेल। आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं सरसों का तेल ही यूज करती हूँ। ऑयल से धुआं निकलने लगे तो एक एक करके सारे मंचूरियन बॉल्स हम कढ़ाई में डाल देंगे, यानी कि जितने बॉल्स कढ़ाई में आ जाए, और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे पलटे से चलाते हुए हम लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये बढ़िया से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम एक एक करके सारे मंचूरियन बॉल्स प्लेट पे निकाल देंगे। आप देख रही हैं काफ़ी क्रिस्पी बने हैं मंचूरियन बॉल्स, तो फ्राई हो चुके हैं। अब हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए हम कढ़ाई से सारा एक्स्ट्रा ऑयल बाहर निकाल लेंगे। सिर्फ 1 बड़ा चम्मच ही ऑयल कढ़ाई में छोड़ेंगे और इस गरम गरम ऑयल में हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा अदरक और ढेर सारे कटे हुए लहसुन, क्योंकि मंचूरियंस में लहसुन और अदरक की मात्रा ज़्यादा होती है। इसे थोड़ा सा चला देंगे और थोड़ी देर बाद हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज भी ऐड कर देंगे। प्याज को भी थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, इन्हें भी थोड़ा सा चला देंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका कच्चापन ही निकालना है। आप देख रहे हैं ये थोड़े से भून गए। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, स्वीटनेस के लिए 1 चम्मच चीनी, इसमें सॉसेस ऐड करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 छोटी कटोरी टोमेटो केचप, 1 छोटी कटोरी ग्रीन चिली सॉस और 1 छोटी कटोरी सोया सॉस। तीनों सॉसेस की मात्रा एक बराबर होनी चाहिए, और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सभी को बढ़िया सा चला देंगे और इसमें 1 कटोरी पानी भी ऐड कर देंगे, जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया लेकिन आप जरूर कर दें। आप देख रहे हैं थोड़े से बॉयल हो रहे हैं। अब हम इसमें मंचूरियन बॉल्स भी ऐड करके इसे बढ़िया सा मिला देंगे। तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे डालना बिल्कुल ना भूलें। आप चाहें तो इसे मसालों के टाइम भी ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च को भी मंचूरियन के साथ हम बढ़िया सा मिला देंगे और इसे गैस का फ्लेम लो कर देंगे और थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। 1 या 2 मिनट बाद हम कढ़ाई का ढक्कन हटा कर देखेंगे। आप देख रहे हैं मंचूरियन में थोड़ी थोड़ी ग्रेवी है।
इसे थोड़ा सा चला देंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे नूडल्स जो हमने की बॉयल करके रखा हुआ था। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अलग अलग है। थोड़ा थोड़ा करके हम सारे नूडल्स कढ़ाई में ऐड कर देंगे। नूडल्स को कढ़ाई में डालने के बाद किसी भी फोक की सहायता से या फिर पलटे से बड़े आराम से नूडल्स को मंचूरियन के साथ मिक्स कर दें और 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लें। इस बात का ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम लो रखें, नहीं तो ये चिपकने लगेंगे। लीजिए वेज मंचूरियन नूडल्स बनके तैयार है। आप इसे सर्व करें और इंजॉय करें और मुझे कमेंट बताएं कि आपको मेरी ये मज़ेदार रेसिपी कैसी लगी।